अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लांट प्रोफेसर। मैं शुएब रज़ा, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी नर्सरी में कल हमने गाड़ी मंगवाई थी गुलाब के पौधों की, तो मैंने कहा गुलाब के पौधों की कुछ तस्वीरें हैं जो कलर हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। तो इस टाइम ऐसे एक टाइम तो स्टार्ट हो चुका है गाची का, मतलब बाहर तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अब जो गाची का टाइम है जिसमें मतलब ज़मीन से निकला पौधा आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस टाइम उस टाइम स्टार्ट हो चुका है। हमारी कल आई थी गाड़ी ये गुलाब की, इसमें तकरीबन 12 से 15 कलर आए हैं। इसमें सबसे पहला कलर रेड क्रॉस में है, लाल कलर है इसमें, इसके अलावा इसमें जो डिफरेंट कलर है उसमें अलावा इसमें कि रेड के अंदर ग्रीन सा कलर आता है, इसमें आप देख सकते हैं ये रेड के अंदर ग्रीन कलर आता है, इसका एक ये कलर भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक कलर आया हुआ है इसका, ये पिंक कलर है जिसको लाइट पिंक भी कहा जाता है। उसके अलावा ये रोज़ कलर है, येलो कलर है। इसमें इसका फ्लावर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे इसके कलर पड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास शेड वाला कलर आता है डबल में, वाइट और पिंक और येलो में, ये भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये रेड एंड वाइट एक कलर आता है डबल में, ये भी कलर इसकी, ये अंदर से ये वाइट होता है और ऊपर से जो पत्तियाँ वो रेड कलर में है। इसके अलावा जो हमारे पास ये पड़े हुए हैं इसमें कलर में, ये पिंक कलर में लाइट पिंक कलर पड़ा हुआ है इसमें, ये डबल शेड में पिंक वाला भी। इसके अलावा ब्लैक टाइगर भी आए हुए हैं इसमें, ये ब्लैक टाइगर है, ये ब्लैक टाइगर है और ये इसका प्योर ब्लैक कलर है, मतलब प्योर नहीं होता लेकिन जट ब्लैक हम इसको नहीं कहा कह सकते, लेकिन ये मैरून होता है डार्क कलर का, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में यही होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ब्लैक जो जट ब्लैक होता है प्योर ब्लैक वो कलर, तो वो होता नहीं है ना पाकिस्तान में, हमने भी अभी तक देखा हुआ है, पर पाकिस्तान में जो ब्लैक टाइगर होता है वो इसी तरह के शेड होता है, उसका ब्लैक टाइगर में ये कलर होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो आए थे प्लांट आए थे लेमन के भी, ये भी आप देख लें, इनके पौधे भी आए लेमन के, इनके साथ फल लगा हुआ है। इनकी एज तकरीबन 1 साल और तकरीबन 6 महीने से ऊपर होता है, 18 मंथ प्लस है ये, तो ये भी पड़े हैं। फिर इसके पीछे माल्टे की वराइटियाँ पड़ी हुई हैं, ये पड़ा हुआ है फ्रूटर आपका, फिर ये छोटे पौधे लेमन के पड़े हुए हैं। ये आपको कोई गाची का टाइम स्टार्ट हुआ है, ये सारे पौधे इस टाइम गाची में ही आ रहे हैं। एक तो उनका रेट जो होता है वो थोड़ा कम होता है नॉर्मल ओवरऑल जो पूरे साल में जो रेट होता है, अगर पूरे साल में इसके आप पौधे का रेट अगर 200 है तो इन दिनों में इसका रेट 120-130 के हिसाब से होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो में लाइक कमेंट लाजमी कीजिए, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती राय से आगाह करें। बहुत शुक्रिया।